सिंपल डेकोरेशन किसी भी चीज़ का अगर किया जाए तो वो बहुत ही अच्छा लगता है और और देखने में भी उसकी जो लुक है वो अच्छी लगती है तो इस तरह से मैंने कुछ अपने ड्राइंग रूम को या लिविंग रूम बोल सकते हैं इसको मैंने ऑर्गेनाइज किया है और इसका मैं डीप क्लीनिंग आप लोगों के साथ आज शेयर कर रही हूँ तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को ऑल पे क्लिक करिए इसी तरह से ऑर्गेनाइजेशन और क्लीनिंग ब्लॉग को देखने के लिए तो हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल पुष्पा सिंह ऑल इन वन चैनल आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और अपने घर में अच्छे से होंगे और माता रानी सबकी जो है मनोकामनाओं को पूर्ण करें तो आज ये मैं अपने आ, लिविंग रूम का जो है ये आ, कालीन जो है आज सफाई कर रही हूँ और आ, क्योंकि ये डेली तो हो नहीं पाते हैं तो ये मैं काफ़ी दिन बाद इसको मैं ब्रश से जो है क्लीन कर रही हूँ क्योंकि तो इतने डस्ट हो जाते हैं इस पर थोड़े ही थोड़े करके और ज़्यादा हो जाता है तो आज मैंने सोचा कि चलो आज मैं इसकी डिप क्लीनिंग करती हूँ और ये सोफ़ा का कवर वग़ैरह मैंने भी आ, हटा दिया है और अभी इसकी जो मैं जो लेदर का मेरा सोफ़ा है उसको कैसे क्लीन करें अभी आगे वीडियो में आपको आ, मिलेगा तो वीडियो की स्किप मत करिएगा क्योंकि लेदर का जो सोफ़ा है वो बहुत ही कम जो होता है वो सफाई आ, अच्छे से हो पाती है और नहीं तो हम बस ऐसे डस्टिंग करके और जो है आ, सोफा कवर वगैरह डाल देते हैं तो लास्ट तक देखिएगा तभी वीडियो को जो है ये क्लीनिंग समझ में आएगी तो इस तरह से यहाँ पे मैंने अच्छी तरह से इसको ब्रश सारे ब्रश से जो है कर दूँगी तो इससे जो है काफ़ी जो डस्ट हैं वो निकल जाएंगे उसके बाद जो सेंटर टेबल है उसको भी थोड़ा समय हटा के करूँगी क्योंकि इस तरह से जो है कर देने से अगर एक बार सफाई कर देते हैं तो काफ़ी दिन अच्छे से जो है क्लीन रहता है तो मैंने सारे जो है कालीन को जो डस्टिंग वगैरह मैंने ऐसे ब्रश से निकाल दिया है और ये मैं झाड़ू लगा रही हूँ क्योंकि मेढकाने का टाइम भी हो रहा है तो उसके बाद फिर मैं ये करके फिर सावर लेने जाऊंगी और मुझे समझ में नहीं आता है कि हम लोग इतना ये क्लीन रखते हैं फिर भी पता नहीं कहाँ से इतना डस्ट वग़ैरह आ जाता है कि समझ में ही नहीं आता है हालांकि ड्राइंग रूम मेरा काफ़ी कम यूज होता है और फिर भी मैं पर डे झाड़ू लगाती हूँ लेकिन फिर भी जो है ये डस्ट जो डस्ट है वो निकलते रहते हैं तो बस ये मेरा जो है झाड़ू लगभग लग गया है और उसके बाद जो है ये कपड़ों का काफ़ी ढेर है तो मैंने सारे सोफा कवर वगैरह जो अच्छे से है मैंने उसको हटा दिए हैं इस तरह से और देखिए कितनी अच्छी तरह से ये क्लीन हो गया है डिप क्लीनिंग मैंने इसलिए शुरू कर दी क्योंकि धूप अच्छी हुई थी तो मैंने सोचा कि कपड़े वगैरह हैं जो अच्छे से वो सूख भी जाएंगे और जो है जो गंदगी है वो अच्छे से निकल जाएगी और मैडा तो पोछा वगैरह अच्छे से मैं इसको लगवा लूँगी और यहाँ पे देखिए मैंने ये कोई कपड़ा लिया है उस कपड़े को मैंने थोड़ा सा गीला किया है और गीला करके इस तरह से जहाँ पे कोनों कोनों पे जहाँ पे डस्ट रहता है तो वहाँ पे मैं इस गीले कपड़े से जो है उसको डस्ट को पोछ दूँगी और अच्छे से क्लीन हो हो जाता है देख सकते हैं आप कोई भी रेसेज कोई भी चीज़ जो है गीले कपड़े से पोछने से निकल जाता है अगर आपके पास वैक्यूम क्लीनर है तब तो कोई बात नहीं तब बहुत अच्छी बात है आप उससे क्लीन कर सकते हैं आ, लेकिन जिनके पास नहीं है तो इस तरह से वो अपने लेदर के जो हैं सोफ़ा को साफ़ कर सकते हैं मेरे पास नहीं थे तो इसलिए मैंने ये आइडिया शेयर किया है आप लोगों के आ, साथ है। तो अच्छे से क्लीन हो जाता है देख सकते हैं आप और ये फ्रंट वाला भी जो वाइट वाला दिख रहा है इसको भी मैंने क्लीन किया और ये दूसरे दिन का व्यू है आ, मैं इसको अच्छे से ऑर्गेनाइज कर रही हूँ तो यहाँ पे मैंने कॉटन का लिया है हालांकि सर्दियों में कॉटन के जो सोफ़े कवर है नहीं डालने चाहिए आ, बट मैंने धुल दिया है तो जो मेरे पास है मैंने वही यहाँ पे लगाया है और आ, अच्छा भी है क्योंकि जो चीज़ें अच्छे से क्लीन हो जाती हैं तो वो काफ़ी दिन तक जो है उसका सफ़ाई करना नहीं पड़ता है बस हल्का सा झाड़ू लगाया और आ, पोछा लगाया हो गया तो इस तरह से मैं काफ़ी दिन से ही सोच रही थी और मैंने ये दिवाली का ही अच्छे से साफ सफाई किया था तो मैंने सोचा कि अब आ, आ, कर देती हूँ क्योंकि दिख भी रहे थे गंदगी तो इस तरह से मैंने यहाँ पे जो है ये मरून कलर का राजस्थानी सोफ़ा कवर यहाँ पे डाला मेरे बहुत पुराने सोफ़ा कवर हैं बट देखने में बहुत ही अच्छे लगते हैं और कलर वगैरह इसका सेम है जैसे मैंने लिया था रेड में है ये और काफ़ी अच्छा लगता है काफ़ी ब्लॉग में मैंने शेयर भी किया होगा आप लोगों के साथ तो इस तरह से अच्छे से चारों कोनों जो है मैं यहाँ पे दबा दूँगी ताकि जो सोफ़ा कवर है वो निकले नहीं और कभी कभी कई लोग होते हैं जो अपने ड्राइंग रूम को काफ़ी डेकोरेशन कर देते हैं तो भाई उनको अच्छा लगता होगा लेकिन मुझे सिंपल ही चीज़ें अच्छी लगती हैं थोड़ी ही रहें सजावट की चीज़ें लेकिन अच्छे से रहें तो वो काफ़ी अच्छा लगता है मेरे नज़रिए से अदरवाइज़ सबका अपना अपना नज़रिया होता है तो यहाँ पे फिर मैं ये सोफ़ा कवर ये कुशन कवर के जो हैं इसमें मैं डाल दूँगी मैंने धुल के प्रेस कर दिया था तो इस तरह से और क्योंकि प्रेस करने से ये होता है कुशन कवर वगैरह या सोफ़ा कवर वगैरह वग़ैरह इसमें जो है शाइनिंग काफ़ी बढ़ जाती है और देखने में भी जो है काफ़ी अच्छा लगता है तो इस तरह से मैंने सारी चीज़ों को अरेंज कर दिया है और देख सकते हैं कि कितना अच्छा लग रहा है तो कंट्रास्ट सोफा कवर और कुशन कवर ही लगाना चाहिए पे मैंने एक नेचुरल अपना प्लांट रख दिया है इंडोर आ, तो इससे भी जो इसकी लुक है वो काफ़ी अच्छी लगने लगी है आप देख सकते हैं कि कितना अच्छा लग रहा है ये की प्लांट रखने से तो इस तरह से मैंने रखा है और इसको जो है मैं कुछ डेकोरेशन करूँगी नीचे गमले में आ, कुछ आ, मार्बल के जो टुकड़े वगैरह आते हैं जो आ, छोटे छोटे तो उसको थोड़ा सा मैं यहाँ पे ऑर्गेनाइज करूँगी तो वो भी मेरे पास नहीं है तो भी मैं आप लोग के साथ शेयर करूंगी। तो सिंपल ही मैंने डेकोरेशन किया है आप लोग देख सकते हैं और कितना जो है वो सोवर लग रहा है और ये पेंटिंग है कुछ इस तरह से और एक साइड में मैंने ये आ, एक और प्लांट रखा है और ये ड्राइंग रूम ये सेंटर टेबल को मैंने इस तरह से कुछ डेकोरेशन किया है एक मनी प्लांट रखा है और एक आ, और प्लांट है तो इस तरह से मैंने अपने ड्राइंग रूम को थोड़ा सा ऑर्गेनाइज किया है तो आशा करती हूँ कि ये वीडियो आप लोग को कुछ हेल्प लगा होगा क्लीनिंग में और ऑर्गेनाइजेशन uh, में तो कुछ आइडिया मिला होगा तो चलिए फिर मैं आप लोगों से अपने अगले वीडियो में और अगले ऑर्गेनाइजेशन में मिलती हूँ तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर लव यू ऑल